बहुत बुरे हालात हैं। कश्मीर से जो लोग अभी पिछले दिनों गए हैं, 15 बसेज निकली हैं कश्मीर के लिए, वो छात्रों के लिए निकली हैं, लेकिन मजदूरों का जो जत्था आया है इसमें 19 मजदूर हैं कश्मीर के। हम इंदौर से आ रहे हैं पैदल चल के। कहाँ काम करते थे? इंदौर गति ट्रांसपोर्ट में। दिखाइए कुछ है डॉक्यूमेंट आपके पास? जी सर, ये है डॉक्यूमेंट। अच्छा, कितने लोग थे, कहाँ क्या करते थे वहाँ पे? हैंडलिंग का काम करते थे, गाड़ी अनलोडिंग करते थे। अच्छा जी, कब से कर रहे थे? हम 5-6 महीने से कर रहे थे उधर। अच्छा। अभी 2 महीने ऐसे ही थे, काम नहीं था। सैलरी वैलरी मिली? कुछ नहीं मिला 2 महीने से। नहीं मिला कुछ? सैलरी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, पैसा भी नहीं दिया आने जाने में। क्या बोले? घर जाना है, घर जाना है। और सेठ बोला कि देख लो अभी लॉकडाउन। क्या नाम हुआ आपका? विष्णु कुमार। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? इंदौर से। जा कहाँ रहे? जम्मू। तो भी जम्मू? जम्मू डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। क्या करते थे आप? काम करते थे ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में? हाँ। तो आप भी सब साथ में इनके? तो वहाँ जाके क्या सोचा है, क्या करेंगे? घर जाना सोचा गया है, घर है हमारा, घर जाना। अगर ऐसा लगता है आपको कि अगर आपको पहले बताया गया होता कि लॉकडाउन होने वाला है तो हम पहले निकल जाते? पहले निकल जाते। हाँ। और अब तक इसीलिए रुके थे कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? नहीं, कोई संभावना नहीं थी जाने की, खत्म हो नहीं हो, हमको तो जाना था। ऐसे भी जाना था, 6-6 महीने हो गए, 8-8 महीने इधर आ गए। अच्छा, कितना कमा लेते थे? अभी तो एक भी नहीं मिला। पिछले 2 महीने का कुछ पैसा मिला? नहीं मिला। मांगा आप लोगों ने? मांगा के जो कमाया पहले वो वाला नहीं मिल रहा, तो ऐसे थोड़ी मिलेगा। वो पुरानी सैलरी भी नहीं दिया? नहीं दिया। कितने महीने की? किसी को 4 महीने, किसी को 5 महीने, किसी को 2 महीने, किसी को 8 महीने। इतनी पुरानी सैलरी मिली? नहीं मिली। नहीं मिली। कितने लोगों को? जितने भी लोग आए सभी। बोले कि घर जाने के लिए नाम वगैरह लिख के दिए और ये लेटर बना के दिए, बोला रोकेगा नहीं कोई। तो आप कश्मीर जा रहे हैं? जी। पता है कितना दूर है? पता है ना, 2500 किलोमीटर है। कितना वक्त लगेगा, कुछ देखा? लगेगा 1 महीना पैदल जाने में। और आप लोग के पास क्या है? कुछ नहीं है सर। पैसा वैसा कुछ? कुछ नहीं है। कितने लोग हैं? 19 बंदे हैं। 19 लोग हैं जी। सब वहीं काम करते थे? जी, ये सारे बंदे अपने। तो क्या सोचा है, वहाँ क्या करेंगे अब? घर में जाएंगे, जो लॉकडाउन का दिखाया है तो उसका पालन करेंगे, मगर परिवार के पास पहुँचना सर। और घर परिवार के लिए इतने दूर आते हैं कमाने, और अपने परिवार के पास जाना है भाई। कितना कमाते थे? कितना? 15-18 हज़ार रुपया महीना कमाते थे जी। अभी 2 महीने से कुछ नहीं मिला। तो फिर क्या सोचा, वहाँ जाके क्या करेंगे? घर में जाके अपना ही खेती का काम करेंगे, जो होगा। सब एक ही जगह से हैं? जी सर, एक ही जिले के आदमी। ये कौन सा जिला? गांव भी एक ही है। कौन सा जिला? जिला जम्मू। जम्मू गांव? हाँ जी। गांव उधमपुर चनैनी। तो वहाँ भी तो लॉकडाउन है, वहाँ फिर कैसे रहेंगे? वहाँ पहले 14 दिन काटेंगे ना, वो लॉकडाउन के दिखाए हैं जो क्वारंटाइन में। जी। अच्छा, 14 दिन वो हमारे उधर रख रहे हैं स्कूलों में। अच्छा, कॉलेज हैं उधर रख रहे हैं स्कूल में 14 दिन, उनको उधर से उसके बाद छोड़ेंगे हमको। घर पे बात हुई? जी। क्या बोल रहे हैं? हमारे सरपंच साहब भी बोल रहे हैं कि 14 दिन उधर रहना पड़ेगा, फिर घर में आने देंगे। वो बोल रहे हैं आ जाओ। हाँ। मैं कल जो कश्मीर के 19 लोग आए थे, जो इंदौर की गति कुरियर सर्विस के काम करते थे वहाँ पर, और वो सुबह लगभग 9-9:30 बजे के आसपास आए। उनको हमने खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद फिर उनको मेडिकल हेल्प दी, और उनके जाने की व्यवस्था कुछ देख रहे थे। इस बीच हमने उनके लिए ई पास बनवाया, और जो जम्मू कमिश्नर हैं उनसे भी बात की, यहाँ भोपाल प्रशासन से भी बात कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में प्रशासन का दबाव लगातार बढ़ा, और चंद्रशेखर जो हुजूर के तहसीलदार हैं वो आए, और उन्होंने फोर्सफुली उन मजदूरों को ग्वालियर की किसी वाहन में बैठा दिया था,
चार बजे हमारी उनसे आखिरी बात हुई। इसके पहले हमारी डीसी से जो बात हुई थी जम्मू के, उन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे के अंदर यहाँ से ट्रेन से उनकी व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन उनको बिना किसी रिकॉर्ड में लिए, उनका ई पास भी बन गया था, उसके लिए बात चल रही थी, लेकिन बिना किसी रिकॉर्ड में लिए उनको किसी वाहन से भेज दिया गया है। अब वो मजदूरों का हमें ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है। आखिरी बार लगभग 7-8 बजे के बाद उनसे बात हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ग्वालियर के रास्ते में हैं और प्रशासन ने हमें ग्वालियर छोड़ने को कहा है, कहा है कि ग्वालियर से आगे आप अपना देख लीजिए जैसे भी जाएं। तो ये बहुत ही लापरवाह हमें लगता है कि काम रहा है प्रशासन का, और प्रशासन ने इस मामले में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया है यहाँ से।